मेरे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता। इस अकाउंट की ज़रूरत बहुत जगह होती है, जब आप बनाते हैं पार्टनरशिप तब, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म जब फर्म का पुनर्गठन होता है तो रिवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है, जब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता है यानी एडमिशन चैप्टर में भी इसकी ज़रूरत है, रिटायरमेंट चैप्टर में भी इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत डेथ ऑफ पार्टनर में भी है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ज़रूरी है, या यूं कहें कभी कभी एग्ज़ाम में सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट दे देता है या लॉन्ग क्वेश्चन होगा तब तो उसमें भी रिवैल्यूएशन की ज़रूरत है। तो इस तरीके से देखा जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रत्येक स्टूडेंट्स को, कॉमर्स के प्रत्येक विद्यार्थी को रिवैल्यूएशन अच्छी तरह आना एकदम ज़रूरी है। कैसे बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट? देखिए, प्रोफॉर्मा बनाया गया है बोर्ड पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, क्यों बनाया जाता है? जब फर्म में कोई नया सिचुएशन आता है, जैसे कोई पार्टनर एडमिशन ले या कोई रिटायरमेंट ले या पुनर्गठन हो या एकाएक कोई मर जाता है, तो ऐसी स्थिति में संस्था के लिए बनाया जाता है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। और देखा जाता है कि उस समय एसेट्स या लायबिलिटी का भाव बढ़ा कि घटा, ऐसा करने से प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट या लॉस पुराने पार्टनर को दिया जाता है, एडमिशन चैप्टर में पुराने पार्टनर को दिया जाता है, रिटायरमेंट और डेथ में सभी पार्टनर को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस दिया जाता है। सभी को क्यों दिया जाता है सर? सभी को इसलिए दिया जाता है रिटायरमेंट और डेथ में, क्योंकि सभी तो ओल्ड पार्टनर हुए हैं, यानी कि पुराने लोगों का इस पे अधिकार होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस पे केवल पुराने लोगों का ही अधिकार होता है। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, जरा उसे ध्यान से देखें। रिवैल्यूएशन अकाउंट में यदि एसेट्स का दाम घटेगा, डिक्रीज होगा तो टू में और बढ़ेगा तो बाई में, लायबिलिटी बढ़ेगा तो टू में और घटेगा तो बाई में, इसके अलावा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को टू में और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बाई में। अनरिकॉर्डेड किसे कहते हैं सर? जो एसेट्स का रिकॉर्ड, जिस एसेट्स का रिकॉर्ड नहीं होता है बैलेंस शीट के बॉक्स में, तो उसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रहेगा तो टू में और अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो बाई में। ऐसा करने के बाद जो कमी आता है टू में तो प्रॉफिट, हो सकता है कि बाई में कमी है तब तो लॉस। बढ़िया, एक बात और, अगर प्रॉफिट आ जाता है टू में तो जो भी उसमें ओल्ड पार्टनर होंगे, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, एडमिशन चैप्टर में जो पहले से पार्टनर होते हैं उसको ओल्ड कहते हैं और रिटायरमेंट में सभी को ओल्ड कहते हैं, डेथ में सभी को ओल्ड कहते हैं, तो ओल्ड पार्टनर को ही दिया जाता है प्रॉफिट या लॉस, और वो भी ओल्ड रेशियो पर दिया जाता है। एक बात और, हमने अभी ऐसा देखा, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कैसे लंबी लंबी जर्नल एंट्री याद की जाए। नो, नेवर, आपको जर्नल एंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं है। जर्नल एंट्री आप स्मार्ट तरीके से देखना सीख, स्मार्ट तरीके से देना सीखेंगे मिनटों में। जैसे बाई में लिखा हुआ है, बाई में तीन आइटम मैंने लिखा, एसेट्स इंक्रीज मतलब एसेट्स बढ़ेगा तो बाई में, लायबिलिटी घटेगा तो बाई में, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बाई, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बाई में। अगर इन तीनों का जर्नल, मतलब एसेट्स का मतलब मान लीजिए बिल्डिंग, लायबिलिटी का मतलब मान लीजिए क्रेडिटर, अनरिकॉर्डेड में कुछ भी आउटस्टैंडिंग, अगर ये तीनों आइटम का यदि कोई जर्नल पूछे तो क्या जर्नल होगा? तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट, बाई मतलब डेबिट, बाई मतलब डेबिट। तो बाई का कोई भी जर्नल देना, जैसे मान लिया जाए कि बिल्डिंग का दाम बढ़ गया, बिल्डिंग का दाम इंक्रीज हो गया, बढ़ गया तो बिल्डिंग एसेट्स है ना, अगर बिल्डिंग का दाम बढ़ा
तो जितना बढ़ा उतना लिखेंगे। जैसे बिल्डिंग 5 लाख का था, अब हो गया 6 लाख, तो 1 लाख बढ़ा तो लिखेंगे बाय बिल्डिंग 1 लाख। बढ़िया। अगर इसका कोई जर्नल पूछेगा तो क्या देंगे, बाय मतलब डेबिट होता है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बढ़िया। अगर मान लिया जाए फर्नीचर का भाव गिर गया तो लिखेंगे टू फर्नीचर। मान लीजिए फर्नीचर पहले था 2000 का, अब हो गया 1000, तो 1000 भाव गिरा तो टू फर्नीचर 1000। सर फर्नीचर का जर्नल क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। टू में फर्नीचर तो है ही, तो एक साइड तो क्लियर हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1000। इस तरीके से आप जर्नल देना बड़ी आसानी से सीख लोगे। तो रिवैल्यूएशन बनाने के बाद आप जर्नल आसानी से दे सकते हैं, और कोई भी चैप्टर हो, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ, तीनों के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूरी है। सिंपल पार्टनरशिप में भी, पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट में भी रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हमारे विद्यार्थी अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लेंगे। अगर आपको रिवैल्यूएशन में कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमें ज़रूर मैसेज करो, कमेंट्स करो। जो रूल लिखा हुआ है उस रूल को बड़े ध्यान से देखना। एसेट्स डिक्रीज, एसेट घटेगा तब टू में, बढ़ेगा तो बाई में। लायबिलिटी बढ़े तो टू, घटे तो बाई। अनरिकॉर्डेड किसको कहते हैं, जो बॉक्स में मौजूद ना हो, जो किताब में मौजूद ना हो, किताब के बॉक्स में बैलेंस शीट में मौजूद ना हो, उसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो ये टू में, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहाँ, बाई में। दोनों तरफ जोड़ेंगे, टू में कमी तो प्रॉफिट, बाई में कमी तो लॉस। अगर कोई कहेगा सर प्रॉफिट का जर्नल बताइए, बाय द वे अगर कोई पूछे कि सर प्रॉफिट का जर्नल बताइए, तो प्रॉफिट कहाँ हुआ है, टू में, है ना। तो हम लोग जर्नल क्या देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। बढ़िया। यदि लॉस हो जाता है तो जर्नल उल्टा पड़ने लगेगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, सारी बातें अच्छी तरह सुनेंगे, 2-3 बार इसे सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और जो आपकी 12th की तैयारी चल रही है उसमें रिवैल्यूएशन आपकी काफ़ी मदद करेगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बेहतर करने के लिए पूरी कोशिश करें कि आप रिवैल्यूएशन में कहीं नहीं फंसे, ना शॉर्ट क्वेश्चन आपका छूटे, ना लॉन्ग क्वेश्चन छूटे, ना एडमिशन छूटे, ना रिटायरमेंट छूटे, ना डेथ छूटे, और ना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप छूटे। तो बेहतर होगा इस छोटी सी कॉन्सेप्ट को हम सीख लेते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा ये पावर आ जाएगा अकाउंट्स का, ताकि हम पार्टनरशिप को अच्छी तरह समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही।